हाय दोस्तों, कैसे आप सब लोग? होप सो सब खैरियत से होंगे। अपनी लाइफ चिल्लम चिल्लाम कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे हो तो करो भरोसे वालों। बिग बॉस से निकलने वालों को ही देख लो, जितने भी भरोसे वाले बिग बॉस के अंदर से निकले हैं, बिग बॉस 17 के अंदर, वो सब मज़े कर रहे हैं। चाहे उसको सेकंड नंबर पे था, थर्ड पे था, फोर्थ पे था, या फिफ्थ पे, सबके गाने आ रहे हैं, सबका म्यूज़िक वीडियो आ रहा है, सबके अलग अलग ऐड मिल रहे हैं, ब्रांड्स मिल रहे हैं, तो वो भी तो कर सकते हैं एंजॉय, तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग एटलीस्ट मेरे वीडियो देख कर इन्जॉय कर रहे हो। तो भाई, अब हम लोग बात करेंगे हिना खान के बारे में और मुनव्वर फारूकी के बारे में। तो मुन्ना भैया जैसे ही हमारे बिग बॉस से बाहर निकले, उनको बहुत सारी ऑफर्स हुई, लेकिन मुन्ना भाई ने बोला क्यों ना भाई, पैसा लगाया जाए और कुछ अच्छी जगह पर लगाया जाए। तो उन्होंने एक गाना शूट कराया है जिसका नाम है हल्की हल्की सी। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, एक दो दिन आई थिंक इसको रिलीज़ हुए भी हो गए हैं, लेकिन मैं इसका अब रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये अब देखा जाकर। तो भाई, गाना तो बहुत बढ़िया है, गाना भी अच्छा है, वीडियो भी अच्छा है, लेकिन मुनव्वर भाई को पता नहीं क्या हुआ, ऐसा जैसे किसी ने मार के बिठाया हो, या पता नहीं मुनव्वर भाई के साथ क्या हो गया। ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जैसे किसी ने किसी को पेल दिया, उसके बाद उसको बिठाया हो कि भाई आप यहाँ पर बैठ जाओ। इस तरह से भाई का पूरे गाने में यही पोज है। भाई का ब्रेकअप हुआ है और ब्रेकअप होने के बाद जो फटती है वो हमारे जैसे नौजवान ही जान सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जान सकता। तो भाई की ताज़ा ताज़ा फटी हुई है और साथ में एक लड़की, वो जो उससे बचपन में प्यार करती थी, वो वापस आ गई है। अब वो उस भाई को उस पुरानी लड़के के चक्कर से निकालेगी। तो ये सारी गाने की स्टोरी थी। स्टोरी वही पुरानी है, कुछ नया तो है नहीं, लेकिन बंदे नए हैं, मुनव्वर नया, हिना नई है, और हिना खान साथ में एक आंटी लग रही है। मुनव्वर ऐसा लग रहा है जैसे 20-22 साल का लौंडा हो, और हिना खान ऐसा लग रही है जैसे 30-35 से बल्कि 40 साल के आसपास की कोई अधेड़ उम्र की आंटी हो। तो कुछ एक केमिस्ट्री जमी नहीं, मुझे मज़ा नहीं आया केमिस्ट्री के अंदर। मुनव्वर भाई है वो तो नो डाउट है ही है, लेकिन ये केमिस्ट्री मज़ा नहीं है। अगर यहीं पर कोई मुनव्वर की एज की होती, 22-23 साल की या 25 साल की लड़की, जिस तरह की हमारी एज है, उस तरह की लड़की होती, तो भाई क्या केमिस्ट्री देखने को मिलती और क्या बवाल मिलता। बचपन में तो दोनों सेम थे, तो बड़े होकर भाई इनकी एज में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ गया? ये तो उस भड़वे से पूछना चाहिए ना जिसने इन दोनों को डायरेक्ट किया कि भाई तू एटलीस्ट एज तो देखना दोनों की कितनी। ऊपर से लड़के को कुछ और पहनाया है, लड़की को साड़ी पहनाई हुई है और साड़ी में वो और आंटी लग रही है। तो भाई जिसने ये गाना डायरेक्ट किया या जिसने ये कास्टिंग करी है, उसको तो एक दफ़ा मिलना पड़ेगा, ये उसने गलत किया। बाकी गाना बहुत अच्छा, जिसने गाया है उसने कमाल का गाया है, और मुनव्वर की तो बस एक्टिंग की मैं क्या ही बात करूँगा। भाई का बस पोज यही था कि ऐसे कोई मर गया हो या किसी ने पेल दिया हो, तो भाई का बस ऐसा ही सीन था पूरी की पूरी सॉन्ग के अंदर। लेकिन जो हिना थी वो तो भाई हिसा रही थी हर जगह पर, पता नहीं क्या क्या कर रही थी, लेकिन बेचारी हर पोज में आंटी लग रही थी, और बस बारिश में भीग कर तो और आंटी के आंटा लग रही थी। तो मज़ा नहीं आया यार वीडियो के अंदर। बाकी गाना अच्छा है, मुनव्वर की परफॉर्मेंस बस ठीक है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर तभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटा नहीं दबाया तो दबा दो, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी धन्यवाद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।